इस वक्त की बड़ी खबर, बोकारो रेंज के डीआईजी सुरेंद्र झा पहुंचे धनबाद थाना और महिला थाना का किया निरीक्षण। थाने में कई खामियां को लेकर दिए दिशा निर्देश। महिला थाना में महिला अधिकार पर लिखे जाने का दिया निर्देश। मेरे साथ एसएसपी साहब भी थे और धनबाद के और पदाधिकारी भी थे। महिला थाना की जो आधारभूत संरचना है उसका प्रेजेंटेशन लेआउट पे एक समीक्षा की गई। हम लोगों ने फिजिकल सत्यापन किया है अभी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि महिला थाना को थोड़ा सा उसके संवेदनशीलता और भावनाओं के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये थाना कम एक सर्विस सेंटर जब दिखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग इसका जो है लेआउट कैसा होना चाहिए, महिला थाना में क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, बच्चों की क्या व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस हॉल कैसा होना चाहिए, कॉन्सलेटर कैसा होना चाहिए, ड्रिंकिंग पानी की व्यवस्था, टॉयलेट इत्यादि व्यवस्था, प्राइवेसी इत्यादि को देखते हुए उसी पे इसका हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही मॉडिफाइड, बहुत ही एक कह सकते हैं सौंदर्य सबसे बेस्ट और ये कह सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ और सुदिंग प्रेजेंटेशन के साथ महिला थाना आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत होगा। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग द्वारा समीक्षा की गई है और इसमें यथाशीघ्र हम काम प्रारंभ करेंगे। फिलहाल अभी क्या दिशा निर्देश दिया गया? जैसे आपने सुना, मैंने जो कहा कि महिला थाने की जो भावनाएं हैं ये या एक तरह से ऐसा है कि इसमें स्नेह हो, अपनापन हो, उसमें एक फेथ हो, ये यहाँ पुलिसिंग से ज़्यादा भावनाओं की समझ हो और जहाँ पे हमारी माता बहन आके बेहिचक अपनी बात को रख सके, बता सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ का वातावरण इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह के होने चाहिए और वहाँ पे जो हमारे ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं लेडीज ऑफिसर्स को उन लोग रहने की व्यवस्थाएँ उसी तरह की होनी चाहिए। क्योंकि महिलाओं के साथ बच्चे भी आते हैं तो बच्चे के लिए क्या व्यवस्थाएँ होनी चाहिए इस संदर्भ में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट स्वरूप में आपको महिला थाना देखने को मिले। महिला थाना के अलावा भी कहीं सर जाने का प्लानिंग है अभी धनबाद में? एक महिला थाना यहाँ देखें, एक बार हम लोग बाघमारा चलेंगे अभी वहाँ भी देखें। सर जो पुलिसकर्मी यहाँ रह रहे हैं पुलिस लाइन में बहुत खराब स्थिति में रह रहे हैं, बहुत झटके घर है, आवाज़ दिया गया है, उसके लिए क्या व्यवस्था सर? इस संदर्भ में ऑलरेडी एसएसपी साहब के द्वारा जो है पूरे ऑडिट किया गया है, हमारे लोग का क्या स्थिति है, उसकी आवास संरचना कैसी है, पैदा की कितनी कमियां हैं और इस संदर्भ में मूल्यांकन करके हम लोग जो बजट के लिए है सरकार को लिख रहे हैं। जो उम्मीद है कि बहुत जल्दी पहले भी दो बार गई हुई है लेकिन आज तक कुछ भी नहीं होता था, कभी भी दुर्घटना हो सकती है तो गारंटी नहीं। नहीं नहीं, बहुत सारा काम होता है और ऑफकोर्स ये बात सही है कि जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम का जो पेस कम है, बट ऐसा नहीं कर सकते कुछ नहीं हुआ है, काम हुआ है, स्लो हुआ है। एक या दो टावर बना है सर? नहीं, इस संदर्भ में ऑडिट की गई है और ऑडिट का रिपोर्ट आने के बाद हम लोग फिर से रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं। सर जिला में दो महिला थाना, दोनों महिला थाना को मॉडल बनाने की दिशा में काम? जी जी, जो जिला में अभी तो हम लोगों ने एक सत्यापन कर लिया है, एकदम फिर जा रहे हैं बागमारा की तरफ, वहाँ का जो महिला थाना है इसी आइडियोलॉजी पे, इसी कंसेप्ट पे, इसी फिलोसफी पे उस थाने का भी मॉडिफिकेशन किया जाएगा। फिलहाल तो जो थाना वहाँ संचालित है वो बीसीसीएल के क्वार्टर में संचालित है, जो बीसीसीएल के अस्पताल में अपना कोई क्वार्टर नहीं है, हमारा थाना तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मैंने अभी देखा नहीं है और ऑफकोर्स जो है बीसीसीएल सीरीज पे दिया गया होगा, हम लोग जो अभी मेरे पास अवेलेबल है हम लोग उसी को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक, थैंक यू।